नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज आएगा जनता का फैसला और जनता का फैसला जो शुरुआती रुझान है उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस लगभग सभी जगह अपनी बढ़त के साथ बीजेपी पर एक अलग तरह का दबाव लगभग बना चुकी है। चार राज्यों में इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ी बढ़त यहां पर दिख रही है और लगभग 73 सीटों पर कांग्रेस राजस्थान में आगे चल रही है। तो साफ तौर पर जिस तरह से पहले जो कयास लगाए जा रहे थे, तमाम एग्जिट पोल जो आए थे उसके हिसाब से कई तरह की जो जानकारी आ रही है बहुत ही सटीक है। 73 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे, 51 सीटों पर ही बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। हालांकि ये फिगर काफ़ी चेंज होगा, शुरुआती रुझान है। इस रुझान के आधार पर बहुत सारी चीज़ें तय नहीं की जा सकती, लेकिन आपको बता दें कि जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही राजस्थान से, चार राज्यों में कांग्रेस को बढ़त, लेकिन राजस्थान में जहां पर 73 से 80 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी को लगभग 55 सीटों पर आगे दिखाया जा रहा है। बीजेपी को 77 जो सीटें हैं वहां पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस वहां पर आगे चल रही है, लेकिन शुरुआती रुझान, शुरुआती फिगर्स हैं। अभी एक घंटे के अंदर बहुत तरह की तस्वीर यहां पर बदली जाएगी। बुधरी सीट से इस वक्त जो खबर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, जहां से बुधरी सीट से शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। झालरा पाटन से वसुंधरा आगे चल रही हैं, टोंक से सचिन पायलट आगे चल रहे हैं, सरदारपुरा से अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं, शिवपुरी से अगर बात करें तो यशोधरा राजे आगे चल रही हैं, अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव आगे चल रहे हैं। जो इस वक्त जो खबर आ रही है, जो रुझान है, शुरुआती रुझान किस सीट पर, खास करके अगर वीआईपी सीटों की बात करें तो लगभग जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या फिर बीजेपी के नेता हों, लगभग सभी जगह इस सारे नेते आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त सरदारपुरा से अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं। इसके अलावा शिवपुरी से बात करें तो यशोधरा राजे वहाँ पर आगे चल रही हैं, अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव भी आगे चल रहे हैं, बुधनी से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। जो शुरुआती रुझान है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, शुरुआती रुझान चार प्रदेशों में, शुरुआती रुझान के हिसाब से कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर ठीक ठाक संख्या के लिहाज से उसने बढ़त बना ली है। इस वक्त दो मेहमान हमारे साथ हैं और चर्चा करेंगे। प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रेम जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। एके मिश्रा इस वक्त हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। एके जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। दोनों मेहमान के पास चलेंगे, लेकिन जैसा कि हम आपको एक बार फिर से बता दें कि कांग्रेस चार प्रदेशों में, कांग्रेस अपनी बढ़त को आगे बरकरार बनाए हुए है और बीजेपी पर उसकी जो बढ़त है लगभग 20 से 25 सीट का फासला ये दिख रहा है। और हम जानेंगे अपने जो इस वक्त दो हमारे साथ मेहमान हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जिट पोल, इसके बाद देखिए अब शुरुआती रुझान और कई ऐसी सीटें जहां पर वीआईपी उम्मीदवार वहां पर खड़े हैं, उनकी सीटों पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रेम कुमार के पास आते हैं। प्रेम जी, एक बात थोड़ा हम समझना चाहेंगे। जो एग्जिट पोल थे उसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल होता है, उसके आधार पर कई तरह की चीज़ों को तय नहीं कर लेना चाहिए, लेकिन एग्जिट पोल जो लगातार जो सर्वे हुआ था, जिस तरह के आंकड़े आए थे उसे देखकर साफ लग रहा था और जितना कॉन्फिडेंस दिख रहा था, एग्जिट पोल के जो कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई थी हम आप सब की, उन्होंने कहा कि नहीं, एग्जिट पोल में 2-4-5 सीटों का अंतर होगा, लेकिन चीज़ें यही है। प्रेम जी, मुझे थोड़ा सा बताएं, जो बढ़त है कांग्रेस इस वक्त जो बढ़त बनाई है, इसका कितना बड़ा मतलब निकाला जाए? ये बढ़त वैसे तो आरंभिक रुझान माने जाते हैं, लेकिन आरंभिक रुझानों में जब सब जगह से एक जैसे ट्रेंड हैं और वो सीटों में कन्वर्ट होते हुए बड़े मार्जिन्स दिखा रहे हैं, तो ये रुझान एक तरह से स्थायी बनने वाले हैं। ये अब के भी समय में कहा जा सकता है। और चूँकि चुनाव परिणाम से पहले ही सारे एग्जिट पोल्स और सारे जगहों पर जो समाचार आए, खबरें आईं, उसके मुताबिक जो बातें बताई जा रही थी, लगभग वही ट्रेंड इस वर्तमान चुनाव रुझानों में दिख रहा है। तो इसे साफ साफ लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी खेमे में जो एक उम्मीद की किरण थी कि एग्जिट पोल अमुक समय में गलत साबित हुए थे, इसलिए इस बार भी उनके फेवर में होगा और चीज़ें बदलेंगी, जिस चमत्कार की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे आज सुबह से, वो उन्हें निराशा हाथ लगी है। हालांकि अभी आप दिखा रहे थे बड़े बड़े नेताओं का, जिसमें कि शिवराज सिंह आगे हैं, वसुंधरा राजे जी आगे हैं, तो ये जो लेकिन प्रेम जी देखिए अगर देखा जाए शुरुआती रुझान है, बहुत कुछ अधिक एनालिसिस हम लोग नहीं कर सकते। मुझे थोड़ा सा एक अपडेट दे दें, चूंकि पूरी जानकारी इस वक्त आपके पास है, कहाँ पर
कांग्रेस आगे चल रही है, कहाँ पर बीजेपी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, कि क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास है? देखिए, मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कि कांटे का मुकाबला है, कांटे का मुकाबला वाकई दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर 68 सीटों पर आगे है तो कांग्रेस अभी 78 सीटों पर आगे है, तो 10 सीटों का फासला सीधे ये दिख रहा है, ये उम्मीद से ज्यादा बड़ा फासला है। माना जा रहा था कि और क्लोज फाइट होगी, लेकिन ये फाइट थोड़ा सा वाइडर होते हुए कांग्रेस के पक्ष में झुकते हुए। दूसरी बात, जैसे छत्तीसगढ़ को ले लें, तो छत्तीसगढ़ में माना जा रहा था कि दोनों किसी को हंग पार्लियामेंट हो सकती है या फिर बीजेपी आगे रह सकती है। आप देख याद करेंगे एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए अधिकतम 45 से 46 सीटें मैक्सिमम दिखलाई गई थी, या उससे सारे कम ही थे, कोई 38 कोई 43 इस तरह से। तो यानी वहां पर जो मैजिक फिगर है 46 का होता है, तो जस्ट 46 पहुंच रहे थे बहुत पॉजिटिव होने के बावजूद। तो लेकिन जो वास्तविक रुझान दिख रहे हैं उसमें 32 और 36, भारतीय जनता पार्टी के लिए 32 सीटें दिख रही हैं और कांग्रेस के लिए 36 पर वो आगे चल रही है। सही रुझान की मैं बात कर रहा हूं, 5-6 सीटों का अंतर, 4 सीटों का फर्क है। लेकिन यहाँ पर अन्य का फैक्टर भी है, अन्य 4 सीटें हैं जो कि आगे चल रहे हैं, ये अन्य भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मान लीजिए कि अगर नेक टू नेक चला जाए तो यही अन्य जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल 4 का फर्क बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी है और 4 अन्य भी है, तो हमें लगता है कि क्लियर कट। मतलब आपके हिसाब से 10 सीटों का अंतर मध्य प्रदेश में, 4 से 5 सीटों का अंतर छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल। थोड़ा राजस्थान का बता दें, राजस्थान में देखें तो राजस्थान में कांग्रेस उम्मीद के हिसाब से ही कर रही, उम्मीद मतलब एग्जिट पोल को अगर आधार माना जाए तो उसको उम्मीद में बता रहा हूं। तो एग्जिट पोल में आप देखेंगे कि एक रेंज दिया गया था कि 200 में से एक कोई 140 मैक्सिमम कांग्रेस के पास और 110 से ऊपर देखा जा रहा था, 130 से 140 कांग्रेस, 130 से 140 का रेंज बताया जा रहा था। लेकिन उसी हिसाब से देख रही चीजें तो कांग्रेस लगभग 78 सीटों पर आगे है और बीजेपी 60 सीटों पर आगे, तो बीजेपी ने थोड़ा रिवाइव किया है, थोड़ी देर पहले और स्थिति खराब थी बीजेपी की, तो अब ये फासला घटा है 78 और 60, फिर भी 18 सीटों का बड़ा फर्क है, ये कोई छोटा फर्क नहीं है। लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से वो था कि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा बमुश्किल छुएगी, मैक्सिमम उसके लिए सोचा जाए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी तब भी वो 100 तक पहुंचती दिख रही थी, लेकिन फिलहाल जो लग रहा है कि 60-61 दिख रहा है और 78 अभी, मतलब अभी 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 रिवाइव होगा, अभी तो थोड़ा अभी हम लोग इंतजार करते हैं, चूंकि अभी एकदम से शुरुआती रुझान है। लेकिन शुरुआती रुझान का एक बड़ा फर्क मैं भी देखा हूं, मिजोरम की भी चर्चा कर लेते हैं। मिजोरम में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है और माना जा रहा था कि वहां पर भी एंटी गवर्नमेंट या एंटी इनकम्बेंसी दिखेगी और वो दिख रही है कांग्रेस के लिए। मिजोरम में मिजोरम से लीड ले रही है MNF में और लगभग 16 और 11, कांग्रेस अगर 11 सीटों पर आ गए तो वो 16 सीटों पर आ गए, मुकाबला वहां भी टाइट है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के अगेंस्ट में वो मिजोरम की जनता। बात मैं आपसे समझ रहा हूं, मैं इसीलिए पूछ भी रहा था कि देखिए कितना अंतर दिख रहा है। जैसे MP में प्रेम जी ने कहा कि 10 से 12 सीटों का अंतर है, और इस अंतर को थोड़ा आप गंभीरता से लें, क्योंकि शुरुआती रुझान में आपको भी अनुभव रहा होगा, मैं भी लगातार जो देखता रहा शुरुआत से ही, अगर शुरुआत में ही अगर अंतर बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो फिर इस गैप को भरना बहुत मुश्किल होता है जो पिछड़ रही पार्टी होती है। एक दूसरा पहलू भी है गौरी शंकर जी, थोड़ा मैकेनिज्म को देखिए। हाँ। अब जैसे अब मतलब मान लीजिए जितनी सीटें हैं, क्या 100% थोड़ा रोकना चाहेंगे, एक ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को झटका, राजनांदगांव से CM रमन सिंह चल रहे हैं पीछे। वाकई बहुत बहुत बड़ी खबर है प्रेम जी और AK जी, किस तरह से अगर शुरुआती रुझान इस तरह की बात है तो बहुत ही बड़ा झटका है। राजनांदगांव से CM रमन सिंह पीछे चल रहे हैं, करुणा शुक्ला आगे चल रही है, करुणा शुक्ला जो कि ये इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार मुख्यमंत्रियों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, नहीं बुधनी में अरुण यादव को खड़ा किया, हाँ। मानवेंद्र सिंह को झारला पाटन से वसुंधरा राजे के खिलाफ खड़ा किया और करुणा शुक्ला को रमन सिंह के खिलाफ खड़ा किया, हाँ। तो कम से कम फिलहाल जो रुझान है उसमें करुणा शुक्ला का आगे बढ़ने का मतलब रमन सिंह को घेरने में कामयाबी मिल रही है कांग्रेस को। हालांकि बाकी दो सीटों पर जो रुझान है उसमें वैसी स्थिति नहीं है, सब अपनी सीटें बचाती हुई दिख रही। मैं थोड़ी देर पहले बोल भी रहा था कि देखिए अगर VIP सीटों की बात करें, बुधनी की बात कर लें या फिर वसुंधरा राजे जहाँ से खड़ी हैं, झालरा पाटन से और एक जगह से खड़ी हैं, ये तमाम सीटों से अगर की बात करें तो लगभग VIP लोगों ने अपनी तमाम सीटें
बचाने की कोशिश एक तरह से दिख रहा है रुझान। वीआईपीज की सीट लेकिन के साथ में एक बात होती है कि अगर वो सीट हार रहे होते हैं तब वो सिम्टम्स है, अगर जीत रहे हैं तो इसमें से कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन वो सवाल एक ऐसे रह गया है कि जो अंतर है 10 सीटों का मध्य प्रदेश में, 10 से 12 लगभग हो चुका, और इसके बाद छत्तीसगढ़ में 4 से 5 सीटों का, रमन सिंह वहां पर पीछे चल रहे हैं, तेलंगाना में स्थिति बदल गई है, तेलंगाना में टीआरएस आगे हो गई है, तेलंगाना का तो खैर क्लियर कट है, मुझे लग रहा है कांग्रेस आगे चल रही थी, अच्छे खासे मार्जिन से आगे चल रही थी, लेकिन अभी फिलहाल एक शुरुआती रुझान में जो गैप दिख रहा है 45 का फिगर आ गया, शुरुआती रुझान जो दिख रहा है कि इस जो गैप है, इस गैप को क्या भरना आसान होगा बीजेपी के लिए, बिल्कुल या फिर एकदम से पिछड़ती चली जाएगी बीजेपी? मैं आपको बताता हूं, मैंने पहले भी जब बातें होती थी तो मैंने बोला था कि बड़ा टिपिकल टाइप का कंपटीशन होगा। अगर हम बात बड़े स्टेट की करें जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश हो गया, जहां पे सीटें 200 से ज्यादा है, तो 10 सीट का जो है गैप होना, ये कोई ऐसा गैप नहीं है कि कोई भी पार्टी इसको भर नहीं सकती। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आपको रोकना चाहता हूं, अगर आप जब भी आप इस तरह के नतीजे, जब इस तरह की चीजें जिस दिन काउंटिंग होती है जब ध्यान देंगे, जिस पार्टी को भरना होता है कि गैप काफी भर चुका है 80 और 82 फिगर, कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है सही बोल रहा है। नहीं सर, आप मेरी बात सुनिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी ये जो ईवीएम की जो काउंटिंग हो रही है ना, आप देखिएगा, घंटे एक घंटे और जाने दीजिए, इवन वे में जब सारे जगह से जो है रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे तो एग्जैक्ट फिगर आपको तब पता चलेगा, और उस वक्त जो गैप मेंटेन होगा दो पार्टियों के बीच में, वो गैप आप देखेंगे कि एक डिसीजन की तरह बढ़ता चला जाएगा, मतलब गैप वाइडर होता चला जाएगा, निर्णय आपके सामने आते चले जाएंगे। अभी आधे एक घंटे में आप देखेंगे तो 2 बार 3 बार कभी बीजेपी आगे हो गई है तो कभी कांग्रेस आगे हो गई है। मैं किसी के फेवर में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इतना श्योर है कि बीजेपी के लिए चीजें अब उतनी आसान नहीं रही हैं। आप गुजरात इलेक्शन के बाद से ही देखिए, और बीजेपी मान लीजिए अगर मार्जिनल विक्ट्री से भी या नेक टू नेक कंपटीशन में भी अगर बीजेपी सरकार बना लेती है, हालांकि इसके चांसेस बहुत टिपिकल है, तब भी ये बीजेपी के लिए मैं ये बोलूंगा कि वो जीत करके भी हार गए, बीजेपी के लिए मैं इसको जीत नहीं मानूंगा अगर ये नेक टू नेक कॉम्पिटिशन होती है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब आगे बढ़ गई है, देखिए अब हुआ ना जो वही चीज मैं बोल रहा था कि गैप कैसे फिलअप होता है। ये मैकेनिज्म सब अभी भी मैं नहीं बोलता हूँ कि बीजेपी जीत जाएगी, हो सकता है कि अभी आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि बहुत कुछ अंतर हो जाए, लेकिन यही बात छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ में एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग 10 सीटों का मार्जिन लेते हुए कांग्रेस आगे बढ़ गई है, और जो मेजोरिटी मैजिक नंबर है, मैजिक नंबर को छू गई है बहुमत की ओर, उसका देखिए बहुत सिंपल रीजन है। अच्छा प्रेम जी से मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ, प्रेम जी थोड़ा सा एक अलग अलग ढंग से पैरामीटर बनाने की कोशिश करें कि देखिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस वहाँ पर पहले बढ़त बना रही है, फिर मान लें कि बीजेपी अब आगे बढ़ रही है, किस पैरामीटर पर दरअसल जो नतीजे आ रहे हैं, किस पैरामीटर के आधार पर इसे तय किया जाए कि जनता ने किस बात पर वोट किया और किसे किया जो है, कुछ तो होगा। शुरुआती रुझान बैलेट पेपर से होते हैं ना, बैलेट पेपर आमतौर पर जो बाहर में रह रहे मतदाता होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सेना में हैं, जो विदेशों में हैं, उनके वोट्स इसमें काउंट होते हैं शुरुआती समय में। तो ये जो इस पर आप शहरों का प्रभाव जो है ज़्यादा दिखता है, तो ऐसे केसेस में जहां शहरी मतदाताओं के बीच जिनकी पकड़ होती है वो रुझान दिखता है, लेकिन आधा पौन घंटा के बाद चलिए थोड़ा सा रुकेंगे। सचिन आते हैं, सचिन पायलट के बारे में कोई खबर आ रही है? सचिन पायलट के घर के बाहर जश्न का माहौल दिख रहा है, सीएम सचिन के नारे लगा रहे हैं कार्यकर्ता। देखिए जोश तो 2 दिन से ही दिख रहा था, आप लोग भी पता होगा कि बाकायदा कांग्रेस कार्यालय को सजाया गया था, है ना, तो साफ तौर पर कांग्रेस को लग रहा था कि इस बार हम लोग की सरकार यहाँ पर आएगी। टोंग से सचिन पायलट वैसे भी आगे चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ताओं के अंदर अभी से ही उत्साह दिखने लगे। थोड़ा सा बताइए, कांग्रेस आगे हो गई है। प्रेम जी थोड़ा सा राजस्थान का फिगर बताइए। राजस्थान में स्थिति यह है कि 78 कांग्रेस और 68 बीजेपी, ये बनी हुई है 78 कांग्रेस यानी 10 सीटों का मार्जिन है। यहाँ बीजेपी ने बहुत रिवाइव किया है अपनी स्थिति को, काफी सुधारा है, लेकिन राजस्थान के मामले में देखा जाए तो राजस्थान में चुके ये कहा जा रहा था कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो उसके हिसाब से ये चूंकि शुरू से ये मार्जिन है, ऐसा नहीं कि आगे पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस लगातार आगे है राजस्थान में और बीजेपी लगातार पीछे है, इसलिए ये ट्रेंड बदला नहीं है, गैप कम हुआ है, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस राजस्थान मतलब ऐसा एकदम ठोक बजा के ऐसा ना मान लिया जाए कि अभी अगर बीजेपी थोड़ा आगे चल रही है तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी
बात हो सकती है, क्योंकि शुरुआती रुझान के आधार पर एक बड़ा फिगर निकालने की कोशिश होती है और शायद वो चीज हो रहा है। थोड़ा सा एक ही बताएं, दोनों ही पार्टियों के लिए, स्पेशली अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो मैं कोई इसको डिसीजिव रुझान नहीं मानता हूं। 10 सीटों का अंतर है और 200 जहां पे 200 से ज्यादा सीटें हैं तो आप ये देखेंगे कितना होगा, 5% का भी होगा, 5% का मार्जिन फिलअप कोई भी पार्टी बाजी पलट सकती नहीं, है। एक आप तो ऐसे कह रहे हैं उस हिसाब से तो फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने अपने घर में होना चाहिए। नहीं नहीं, घर में क्यों होना चाहिए, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ सचिन पायलट फाइनल नहीं है, ऐसे तो पूरा फाइनल आ ही जाए तो फिर हम डिस्कशन क्या करें, एक घंटे का वेट करिए, मैं आपको बता रहा हूँ मैकेनिज्म को समझिए ना, एक बार भी सारे मैकेनिज्म अपनी तरफ, लेकिन एक बार भी अभी हो 9 घंटे, 1 घंटे से ज्यादा, 1 घंटा 20 मिनट हो चला है, और सवा घंटे में एक बार भी अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को लीड नहीं मिली है और लगातार कांग्रेस का मतलब है, बहुत शुरुआती बात थी जब गैप ज्यादा था, चलिए ठीक है बातचीत करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, ज्योतिरादित्य नहीं हो रहा है, 10 पर स्टेबल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के नेता कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया पहले सुनते हैं फिर बातचीत करेंगे। न्याय, अमन और शांति का वातावरण और प्रगति और विकास का वातावरण मध्य प्रदेश में हम लोग तय करेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा, नतीजे पहले आने दीजिए। चलिए देखिए, आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कह रहे हैं कि हम लोग ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा है उसका पूरा नतीजा आएगा, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि नतीजा आने दीजिए। इसके बाद भी मध्य प्रदेश में थोड़ा सा बताएं, एक बार फिर से थोड़ा सा अपडेट, मध्य प्रदेश में कांग्रेस 7 सीटों से आगे बढ़ गई है, एक बार फिर बड़ा फासला, और भारतीय जनता पार्टी 85 है, पर आगे है, जबकि कांग्रेस 92 पर आगे है। तो ये जो मध्य प्रदेश है, लगातार कांग्रेस रही है आगे, बीच में एक समय के लिए बीजेपी आगे हुई थी तो हमारे लिए बड़ी खबर हो गई थी कि बीजेपी ने अपने आप को रिवाइव किया है, लेकिन फिर से एक बार कांग्रेस आगे हो गई और 7 सीटों का फर्क है। मतलब एक मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, देखिए शुरुआती रुझान, मैं भी कहता हूँ कि शुरुआती रुझानों पर पूरी एनालिसिस नहीं हो सकती, थोड़ा सा और हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा, हर 10 मिनट के बाद चेंज हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा लग रहा है जैसे निफ्टी और सेंसेक्स का कोई इंडेक्स चल रहा हो। क्लियर रखिए, क्लियर सेंस रुझानों में भी दिख रहा है कि 5 राज्य में, तेलंगाना में भी कांग्रेस पिछड़ने के बावजूद फाइट में है ना, मिजोरम में हार रही है, लेकिन बाकी जो 3 स्टेट हैं, हिंदी प्रदेश हैं, उन सभी जगहों पे कांग्रेस जबरदस्त तरीके से रिवाइव कर रही है। ये तो अभी कहने में कोई दिक्कत नहीं है, जिस हिसाब से कांग्रेस की परफॉर्मेंस पिछले इलेक्शंस में नहीं रही थी, थोड़ी देर में आता हूँ, थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ। देखिए आज बड़ी खबर बहुत रहेगी तो हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा इसलिए। राजस्थान से देखिए बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी को झटका लगा है, 7 मंत्री जो बीजेपी के हैं वो पीछे चल रहे हैं। देखिए प्रेम जी और किस तरह देखिए सिम्टम्स हैं, शुरुआती सिम्टम्स हैं। मैं यही बात तो देखिए एक ही पूछ रहा था आपसे कि देखिए शुरुआती रुझान, मैं भी अगर 8-10 सालों से या ऊपर ही हो गया, जो मैं देख पा रहा हूँ कि शुरुआती रुझान एक बड़ा संकेत होता है। 1.10 रुपया वैल्यू गिर गया रुपए का। हाँ वही, और सेंसेक्स कितना गिर गया? सेंसेक्स 200 से ज्यादा पॉइंट, 200 से 250 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया। इसका मतलब देखिए चारों तरफ से पैरामीटर 300 अंक की गिरावट, 300 लगभग, मैं जब देख रहा था तो 250 लगभग, देखिए 300 हो गया। इसका मतलब है कि शुरुआती रुझानों पर एक तरह से, आप चाहे वो सेंसेक्स की बात हो या फिर रुपयों की बात हो, उसमें जो गिरावट आई है सारा कुछ इस इलेक्शन रिजल्ट पर डिपेंडेंट था। मैं कह रहा हूं कि शुरुआती रुझान के आधार पर पूरी एनालिसिस नहीं हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद 8-10 सालों का जो मेरा अनुभव है, शुरुआती रुझान में जो पार्टी लीड करती है ना, वही पार्टी अंतिम तक रह जाती है। थोड़ा सा वही पैरामीटर मैं पूछ रहा था कि और क्या कुछ बदलने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, शुरुआती रुझान लास्ट में जाके रिजल्ट में परिवर्तित होंगे, ये कैसे किन कंडीशंस में होते हैं देखिए। अगर ऐसा कुछ लगे कि भाई जबरदस्त वेव थी चाहे कांग्रेस की या बीजेपी की, तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रेंड आपका एकदम इक्वल बना रहता है, जिस पार्टी का रुझान शुरू में रहा वो लास्ट तक मेंटेन करके रखते हैं, गैप बढ़ता चला जाता है। यहां मैंने शुरू में ही बोला है कि नो डाउट जीते बीजेपी या कांग्रेस, डिफरेंट चीज है,
लेकिन कांग्रेस अब की बार इतने जबरदस्त तरीके से टक्कर देगी कि बीजेपी का क्लीन स्वीप का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। और हो सकता है कुछ जगहों पे जैसे राजस्थान की बात हो रही है, एंटी इनकम्बेंसी थी और भी बहुत सारे इंटरनल फाइट भी थी, कुछ लोग बीजेपी में ही वसुंधरा राजे जी को नहीं चाहते थे, उन्हीं के पार्टी के लोग। तो ये ऐसे कई फैक्टर्स है जिसके कारण कांग्रेस को नेचुरल बेनिफिट मिल रहा है। और इसके कारण वहां देखिए 10-15 सालों से अगर एक ही सरकार है तो मोनोटोनस नेचर भी उनको तोड़ना है। जनता भी जो है एक तरीके से चाहती है कि कुछ चेंज हो, और बीजेपी ने जो किया उन्होंने अपने वादों को ग्राउंड लेवल पे वो उतना डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस का जो ये परफॉर्मेंस आपको दिख रही है, इसके कारण कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त दिख रही है। चांसेस इस चीज के बहुत ज्यादा है। मुझे जो लगता है कि एक बहुत जबरदस्त तरीके से फाइट होगी, जो भी पार्टी जीतेगी, मुझे नहीं लगता है कि एकदम क्लियर कट बहुत ज्यादा सीटों का गैप बना करके वो जीतेगी। हाँ। बड़ा मार्जिनल टाइप का जैसे 10-15-20 सीट का जो हेर फेर होता है, नहीं देखिए ठीक है, मुझे ज्यादा लग रही ठीक है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन देखिए 15 साल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, 15 साल छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, और हालांकि राजस्थान का तो एक अपना कंडीशन है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, अगर वहां पर कांग्रेस की भी सरकार आ रही है तो हम समझ सकते हैं कि ठीक है, एक ट्रेडिशनल उसने एक अरेंजमेंट बना लिया है कि हम एक बार कांग्रेस को जिताएंगे एक बार बीजेपी को जिताएंगे। लेकिन दो बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। मैं थोड़ा सा प्रेम जी से पूछना चाह रहा हूँ, प्रेम जी 15 साल के बाद अगर इस तरह के नतीजे, जो शुरुआती रुझान को भी अगर एक आधार मानकर चला जाए, तो लोकसभा चुनाव से पहले अब बीजेपी को एक अलग तरह की रणनीति पर काम करना होगा। इस रणनीति के हिसाब से नहीं चलने वाले चाहिए अब। बिल्कुल, और जो दिख रहा है, नजर आ रहा है, उसमें बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग खबर जो है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में इतनी बुरी पराजय की ओर बीजेपी बढ़ेगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है, 48 सीटों पर वो आगे है ना। और ये जो आंकड़ा है, ये जो फिगर, इसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी, बल्कि ये सोच रही थी कि मध्य प्रदेश भले लूज कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो कांटे का संघर्ष है, 90 और 98 का फिगर है तो, और राजस्थान में मान के चल रही थी कि हारेंगे। अच्छा, एक बात मैं देख रहा था, मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि एक बीजेपी के संगठन मंत्री के तौर पर वो काम करते, उन्होंने कहा कि एक्चुअली में बीजेपी को झटका इसलिए लग सकता है मध्य प्रदेश में, तो लगता हुआ नजर भी आ रहा है, उन्होंने पहले इस तरह की बातें कह दी थी कि शिवराज सिंह चौहान ने कई बार इस तरह की बयानबाजी की, खास करके कोई माई का लाल नहीं आरक्षण के मसले पर जो कहा था उन्होंने, ये सब ऐसे बयान थे जिसकी वजह से जनता शिवराज सिंह चौहान से दूर होती चली गई। बाकी एंटी इनकम्बेंसी, विकास की अवधारणा, ये सब तो अलग बातें हैं, लेकिन उनके बयान से बड़ा मामला गड़बड़ाया है। जो आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से बातचीत करके जो बात निकाल रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, वो बहुत साफ है। जो हार का ठिकरा तो शिवराज सिंह पर ही फोड़ना है, नरेंद्र मोदी पर तो फोड़ना नहीं है, यही वो कहना चाह रहा हूं। हां, ये तो इसलिए ये पहले से एक पृष्ठभूमि, पहले से एक भूमिका तैयार कर ली गई थी, और नरेंद्र मोदी जी का पूरे चुनाव अभियान में कम भागीदारी रखी गई पहले के मुकाबले, और छोड़ दिया गया कि स्टेट लीडरशिप पर देखा जाए, योगी जी को भिड़ा दिया गया, राम मुद्दे का भी छौंक लगाया गया है इस पूरे चुनाव अभियान में। तो इसी से मैं, जब जिक्र आया है राम मंदिर का, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो राम मंदिर का